एक समय मैं दिल से जुड़ा था मेरे दिल में। सो व्हाट्सअप गाइज, उस टाइप की वीडियो को एडिट करने के लिए हम लोग दो ऐपों का यूज करने वाले हैं। पहले ऐप का नाम है सुपर वीपीएन और दूसरे ऐप का नाम है कैपकट। बहुत ही आसान तरीका आपका भाई बताएगा, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, सुपर वीपीएन ऐप को यहाँ से ओपन कर लेंगे। देन दोस्तों जैसे ही आप ओपन कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप की इंटरफेस मिलेगा। तो यहाँ पे एक ऐड आएगा, तो इसे आप लोग स्किप कर दीजिएगा। और यहाँ पे मेरा जहाँ पे सिंगापुर लिखा है ना, इस पे आपका यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट होगा। तो आप इसे सिंगापुर करके और सिंपल से यहाँ पे कनेक्ट के आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। और आपका वीपीएन जब आपके फोन के साथ कनेक्ट होगा ना, तो ऊपर साइड में वीपीएन लिख के शो हो जाएगा। तो देख सकते हैं हम लोग का वीपीएन कनेक्ट हो चुका है अपने फोन के साथ। अब यहाँ से हम लोग मेन स्टेप स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप यहाँ से वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा। तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, कैपकट ऐप को यहाँ से ओपन कर लेंगे। और जैसे ही आप ओपन कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप की इंटरफेस देखने को मिलेगा। और आपका भाई यहाँ पे एक छोटी सी बात को बताना चाहता है, आपका भाई बहुत ही आसान तरीका बता रहा है इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट के आइकन पे ऐसे क्लिक करेंगे। क्लिक कर लेने के बाद आपकी गैलरी की सारी वीडियोज आप लोग के सामने शो हो जाएगा। तो जिस भी वीडियो को आप लोग को एडिट करना होगा, उस वीडियो को आप अपने गैलरी से सिलेक्ट कीजिएगा। कर लेने के बाद नीचे साइड में ऐड वाले आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। देन दोस्तों क्लिक कर लेने के बाद आपका वीडियो जो है कैपकट के टाइमलाइन पे आ जाएगा। और इसी वीडियो को हम लोग एडिट करने वाले, बहुत ही आसान तरीका बताएगा, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, अपनी वीडियो को कलर ग्रेडिंग करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, और फेस को भी स्मूथ करना आपका भाई बताएगा, कंप्लीट ट्यूटोरियल होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग अपनी वीडियो को कलर ग्रेडिंग कर लेते हैं। तो सिंपल से उसके लिए आपको अपनी वीडियो वाले लेयर पे ऐसे क्लिक करना होगा। कर लेने के बाद आपको सिंपली नीचे साइड में ऐसे स्क्रॉल करना होगा। ऐसे आप स्क्रॉल कीजिएगा तो आप लोग के सामने एक एडजस्ट का आइकन देखने को मिलेगा। तो एडजस्ट वाले आइकन पे आप टैप कर दीजिएगा। और टैप कर लेने के बाद सबसे पहले अगर आपका वीडियो ना मतलब लाइट नहीं आपके वीडियो में, तो ब्राइटनेस पे आके आप ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिएगा। मैं इंक्रीज करके प्लस साइड में 6% कर लेता हूँ। देन दोस्तों सिचुएशन वाले पे आके सिचुएशन की वैल्यू भी मैं इंक्रीज करके प्लस साइड में 10% कर लेता हूँ। सिंपल से गाइज एक्सपोजर पे आऊँगा, एक्सपोजर की वैल्यू भी मैं इंक्रीज करके प्लस साइड में 6% कर लेता हूँ। और ये सारी सेटिंग आप अपने वीडियो के अकॉर्डिंग कीजिएगा। देन दोस्तों इसके बाद आपको शार्पनिंग वाले पे क्लिक करके इसकी शार्पनिंग की वैल्यू को भी हम लोग इंक्रीज करके प्लस साइड में यहाँ पे 10% 11% कर लेंगे। देन दोस्तों इसके बाद हम लोग का मेन काम यहाँ पे स्टार्ट होता है कलर ग्रेडिंग का। तो यहाँ पे आप वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, तभी आप अपनी वीडियो को कलर ग्रेड कर पाएंगे आसान तरीके से। तो यहाँ पे आप लोग के सामने ना एक HSL का ऑप्शन मिलेगा, तो HSL के आइकन पे टैप कीजिएगा। और टैप कर लेने के बाद आप लोग के सामने बहुत सारे कलर्स नज़र आएंगे, और इन्हीं कलर का यूज करके हम लोग ना कलर ग्रेडिंग करने वाले। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्रीन कलर को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते जो ग्रीन वाला पार्ट है ना वो और ज़्यादा ग्रीन हो जाए, तो इसकी सेचुएशन की वैल्यू इंक्रीज करके 100% कर दीजिएगा। और इसकी ह्यू की वैल्यू आप इधर करेंगे ना, दाएं बाएं करेंगे, तो इसकी कलर भी चेंज हो जाएगा। तो मैं इसे ग्रीन ही थोड़ा थोड़ा रखूंगा ताकि मज़ा आ जाए, तो 19% कर लेता हूँ। देन दोस्तों इसके बाद आपको येलो कलर को लेना होगा, और इसकी भी ह्यू की वैल्यू ना आप प्लस साइड में ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं, माइनस साइड में भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ ना, इसे यहाँ पे थोड़ा सा मैं प्लस साइड में करके, और सिंपल से ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कीजिएगा। ऑरेंज कलर सिलेक्ट जैसे ही आप कीजिएगा तो आप देखिए यहाँ पे मैजिक हम लोग का फेस यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे फेस पे हम लोग का लाइट जा रहा है ना। सिचुएशन की वैल्यू कम कर देंगे तो फेस हम लोग का वाइट भी हो जाएगा। सिंपल से ये प्रोसेसिंग कर लेने के बाद यहाँ से ब्लू कलर को सिलेक्ट कीजिएगा। सिचुएशन की वैल्यू आप इंक्रीज करेंगे तो जो हम लोग का स्काई, इसे आप अगर जीरो कर देंगे ना -100, तो पूरा हम लोग का वीडियो वाइट हो जाएगा। अगर इंक्रीज कर देंगे तो ब्लू में आ जाएगा हम लोग का स्काई। तो इसके बाद इसकी ह्यू की वैल्यू भी हम इधर उधर करके चेक कर लेते हैं कहाँ पे हम लोग का परफेक्ट आ रहा है। इक्वा ब्लू कलर को लेंगे, इसकी सिचुएशन को हम लोग इधर उधर करके चेक कर लेते अच्छे तरीके से। कर लेने के बाद यहाँ से आप लोग बैक आ जाइएगा और स्क्रॉल करके आगे आइएगा। हाईलाइट की वैल्यू आप इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज भी, तो मैं यहाँ पे इसे छेड़ता नहीं हूँ। टेम्प की वैल्यू को मैं माइनस साइड में करूंगा, थोड़ा सा मैं ब्लू साइड में फोन को अपने मतलब पूरी वीडियो को थोड़ा ब्लू टोन में करूंगा। तो यहाँ पे -6 करके, और सिंपल से आप यहाँ पे ना एक विग्नेट का आइकन मिलेगा, तो विग्नेट पे आइएगा। विग्नेट की वैल्यू थोड़ा सा इंक्रीज करके प्लस साइड में 7% करके, और सिंपल से आप राइट वाले आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। देन दोस्तों ये सेटिंग कर लेने के बाद ना आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम लोगों ने अपनी वीडियो को कलर ग्रेडिंग किया।
और आपका भाई एक एक स्टेप बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा है, तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। देन दोस्तों इसके बाद आपका भाई ये बताएगा कि कैसे आप अपनी वीडियो को स्लो एंड फास्ट मोशन में कन्वर्ट करेंगे, साथ ही ब्लर इफेक्ट को कैसे ऐड करेंगे, सेकी इफेक्ट को भी ऐड करना बताएगा, तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने वीडियो वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे और नीचे साइड में आप ऐसे स्क्रॉल कीजिएगा और स्क्रॉल करके वॉल्यूम के आइकन पर जाके इसकी वॉल्यूम को 0% करके और राइट क्लिक कर दीजिएगा और वीडियो को चलाइएगा। जहाँ से आप चलना स्टार्ट किया ना, देख सकते हैं मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को रोक लूँगा और रोक लेने के बाद नीचे साइड में यहाँ पे एक स्प्लिट का आइकन आप लोग के सामने देखने को मिलेगा, तो स्प्लिट के आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, थोड़ा सा ऐसे आगे आइएगा, बिल्कुल थोड़ा सा आगने के बाद अगेन आप लोग स्प्लिट कर दीजिएगा और ऐसे आगे आइएगा और अगेन आप लोग स्प्लिट कीजिएगा, थोड़ा सा आगे आके अगेन आप लोग ऐसे स्प्लिट कर दीजिएगा। देन दोस्तों ऐसे कर लेने के बाद आप लास्ट में आइएगा और लास्ट में आपका जो भी ये फालतू वाला पार्ट है ना, इसे आप ऐसे यहाँ से पकड़ के छोटा कर लीजिएगा। छोटा कर लेने के बाद सिंपल से आप लोग को ना लास्ट में यहाँ पे एक ब्लैक कलर का कैपकट का लोगो मिल जाता है, तो इसे सिलेक्ट करके और नीचे साइड में डिलीट के आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आप लोग मैजिक देखिएगा, सिंपल से गाइज आप अपने दोनों फिंगर से पकड़ के ऐसे वीडियो के लेयर को फैला लीजिएगा। फैला लेने के बाद जो बीच में हम लोग का छोटा वाला क्लिप है ना, इसे आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा और नीचे साइड में एक स्पीड का आइकन आप लोग के सामने शो होगा, तो स्पीड के आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। दो ऑप्शन आप लोग के सामने मिलेगा, एक नॉर्मल एक कर्व, तो हम लोग नॉर्मल वाले पे टाइप करेंगे और टाइप कर लेने के बाद इसकी ड्यूरेशन जो है ना, हम इसे ऐसे कम करेंगे। कम करके यहाँ पे गाइज आप कुछ ज़्यादा भी कम कर सकते हैं, तो मैं फिलहाल इतना ही करता हूँ। इसे यहाँ पे मैं इसे 0.1x पे करके और यहाँ पे पीछे वाले पे टिक कर दूंगा और यहाँ पे स्मूथर पे क्लिक करके बेटर क्वालिटी करके और राइट क्लिक कर दूंगा। देन दोस्तों जैसे ही मैं ये राइट क्लिक करूंगा ना, ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और आपका वीडियो ना अल्ट्रा स्मूथ में ये कन्वर्ट कर देगा और आपका वीडियो कहीं पर भी रुक रुक के नहीं चलेगा, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से चलेगा। तो ये स्टेप आप लोग कर लीजिएगा, हो जाने दीजिए, फिर आगे का स्टेप मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। देन दोस्तों जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप स्क्रॉल करके ऐसे आगे आइएगा और आगे भी हम लोगों ने एक क्लिप को यहाँ पे काटा था, तो इसे भी हम लोग सेम प्रोसेस से क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, नीचे साइड में स्पीड के आइकन पे क्लिक करके नॉर्मल वाले पे टैप करके इसकी भी ड्यूरेशन को हम लोग कम करके और इसे भी हम लोग 0.1x पे करके पिच पे टिक करके यहाँ पे स्मूथर पे टैप करके बेटर क्वालिटी करके और राइट क्लिक कर देंगे और इसे भी 100% हो जाने दीजिए। फिर आगे का स्टेप मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, कैसे आप ब्लर इफेक्ट को ऐड करेंगे, सेकी इफेक्टों को कैसे ऐड करेंगे, फेस को कैसे स्मूथ करेंगे, एवरीथिंग जानकारी मैं दूंगा, तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। देन दोस्तों कंप्लीट हो जाने के बाद सिंपल से आप लोग को यहाँ से बैक आना होगा, अगेन बैक आ जाइएगा, दोनों फिंगर से पकड़ के इसे आप लोग ऐसे छोटा कर लीजिएगा। छोटा कर लेने के बाद आप यहाँ से आप वीडियो को देखिएगा, सबसे पहले हम लोग का वीडियो यहाँ पे फास्ट रहेगा और यहाँ पे हम लोग ब्लर भी आप देखिए यहाँ पे कितना अल्ट्रा स्लोमो हम लोग का वीडियो यहाँ पे हुआ है। तो सिंपल से आपका भाई एक एक स्टेप बता रहा है, तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले हम लोग इफेक्ट को ऐड कर लेते हैं, तो सबसे पहले जिस भी क्लिप में आपको इफेक्ट को ऐड करना उस क्लिप को ऐसे सेलेक्ट कीजिएगा, नीचे साइड में एनिमेशन के आइकन पर टैप कर दीजिएगा, एनिमेशन आपका यहाँ पे लोड होगा, तो ये वाला एनिमेशन मुझे सही लग रहा है रॉक वाला, तो इसे सेलेक्ट करके राइट क्लिक कर दूंगा और जिस भी क्लिप में आप लोग को करना सेम यही प्रोसेस आप कर लीजिएगा और आपका भाई यहाँ पे फटाफट से कर लेता है। कर लेने के बाद इतना सारा काम तो हम लोग का हो चुका, लेकिन यहाँ पे अभी और सारा काम बाकी है। जैसे कि देख सकते हैं ना, वो जो इफेक्ट आता कई इसी पे इसी वीडियो के ऊपर ना, यही वीडियो कई सारा आ जाएगा, उस इफेक्ट को भी आपका भाई ऐड करना बताने वाला। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, वीडियो के स्टार्टिंग में आएंगे और आने के बाद ब्लर इफेक्ट को ऐड करने के लिए सिंपल से नीचे साइड में इफेक्ट के आइकन पर क्लिक कीजिएगा, वीडियो इफेक्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। देन दोस्तों यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और ट्रेंडिंग में आप लोग के सामने ऐसे नीचे आइएगा और नीचे आने के बाद यहाँ पे हालो बलर का एक ऑप्शन मिलेगा, तो हालो बलर पे आप ऐसे टैप कीजिएगा। अगेन आप लोग इस पर एक बार टैप करके इसकी जो ड्यूरेशन होता है ना, इंटेंसिटी ओपेसिटी जो होता है, इसको हम लोग 100% कर लेंगे और सिंपल से यहाँ से राइट क्लिक कर देंगे और राइट क्लिक कर लेने के बाद अब यहाँ से आप वीडियो को चलाइएगा। देख सकते हैं ऐसे आपका वीडियो स्टार्टिंग में ब्लर रहेगा और यहाँ पे एक शेकी इफेक्ट गिरेगा और गिरने के बाद अगेन आप लोगों को ना यहाँ पे एक फ्लिप वाला एक इफेक्ट हम लोग ऐड करने वाले हैं, तो उसको हम लोग ऐड करने के लिए सिंपली अगेन क्या करेंगे ना, वीडियो इफेक्ट के आइकन पे क्लिक करेंगे और ट्रेंडिंग में आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा ये फ्लिप फ्लिपर, ये मिल जाएगा, तो ये देख सकते कुछ इस टाइप से आएगा, तो इसे हम लोग राइट क्लिक कर देंगे। आप देखिए हम लोग का शुरू से स्टार्टिंग से वीडियो एक बार आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे ब्लर इफेक्ट है और यहाँ पे हम लोग का एक सेकी इफेक्ट गिरेगा और फिर ये वाला इफेक्ट आप लोग को गिरेगा,
फिर इसके बाद हम लोग का यहाँ पे वीडियो स्लोमो होगा, फिर यहाँ पे फास्ट, फिर स्लोमो, ऐसे करके आप अपनी वीडियो को भी एडिट कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका आपका भाई बताया। तो वीडियो के ना, वीडियो में अगर आप म्यूजिक को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग बैक आ जाइएगा, और बैक आने के बाद सिंपल से आपको नीचे साइड में एक ऑडियो का ऑप्शन मिलेगा, तो ऑडियो वाले पे क्लिक करके, और यहाँ पे अगर आप वीडियो से साउंड लेना चाहते हैं तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट वाले पे क्लिक करके, और आप जिस भी वीडियो की साउंड को लेना चाहते हैं उस वीडियो को यहाँ से सिलेक्ट करके, और यहाँ पे इम्पोर्ट साउंड ओनली पे क्लिक कर दीजिएगा। और अब यहाँ पे देखिए ना, हम लोग का म्यूजिक भी ऐड हो चुका है, यहाँ पे काफ़ी शानदार सा लग रहा है। तो ऐसे करके आप अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। आपका भाई कंप्लीट ट्यूटोरियल बताया, तो उसके लिए एक वीडियो को जरूर ही लाइक कर दीजिएगा। आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को सेव करने के लिए 1080p पे क्लिक कीजिएगा, और इसकी फ्रेम रेट को आप लोग 60% कर लीजिएगा, और जो भी यहाँ पे सेटिंग रहेगा बाय डिफॉल्ट इसे रहने दीजिएगा। डाउनलोड के आइकन पे क्लिक करके आप अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।